हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ सिप्रा। मैं आज वैक्सिंग हीटर और वैक्सिंग बी इनके रिव्यू कर रही हूँ। मैं फर्स्ट बार यूज करी, इसलिए ज्यादा नहीं किए दिए थे, तो बस थोड़ा सा ही किए थे। 20 ग्राम से यहाँ पे। इसका भी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूज कैसे करना है। अब इस हीटर में बीन्स को डालेंगे। अब इस स्विच को ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अब देखिए पिघलने लगा है हल्का। और आप भी मेरे तरह पहला बार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर ही करें, एक बार में ज्यादा ना ले। थोड़ा सा मेरे और यहाँ पे हेयर थोड़ा सा हेयर थोड़ा और अप्लाई करेंगे।
कर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बात करके ही करें जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दिखाया वैसे ही करके करें या ना कि रेजर से रिमूव ना करें हेयर को इसी से वैक्सिंग करके ही करें या फिर आप थ्रेड से करें इससे आप इजीली घर पे कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता इससे अच्छा से क्लीन भी हो जाता है इसे करने के बाद जरूर मॉइस्चराइजर आता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मैं जैसे पहला बार किया बहुत ही अच्छे से हो गया मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ थ्रेड से थोड़ा ज़्यादा पेन होता है क्योंकि एक एक बाल करके निकालता है इसी वजह से ऐसे एक ही झटका में सब निकालते हैं इसी वजह से उतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ फिर से अगर आप प्रैक्टिस करें आईब्रो भी अच्छे से शेप दे सकते हैं बट शुरू शुरू में जल्दबाजी में ना करें वरना आईब्रो भी कर सकता है आप महीने में एक बार यूज कर सकते हैं अगर आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो महीने में दो बार यूज करें पूरा फेस के करने के बाद मेरा इतना सब बच गया है देख सकते हैं अब इसे अच्छे से आप रख सकते हैं इसे जब फिर से यूज करना होगा उसके बाद इसको प्लग में जैसे गर्म करना होता है ऐसे गर्म करें ये पिघल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे इसे आप इजीली स्टोर भी कर सकते हैं ऐसे करके इसको ध्यान रखें ढक कर ही रखें वरना इसमें गंदगी